मेरे बच्चे दोनों बाहर रहते हैं, और आप बोलते हो कि रोज आपको 15 मिनट बच्चों से बात करना है, तो देव के पास तो मोबाइल भी नहीं है, उसके यहाँ खाली एक हफ्ते में एक दिन संडे बात करना अलाउड है। एकता वैसे ही कॉलेज में बिजी रहती है, बात ही नहीं करना चाहती कई बार फोन में, तो मैं ये हो पाएगा क्या? यही डर था कि इस एज में आके बच्चों के लिए मेरे लिए कुछ यूजफुल होगा क्या। सुशांत सर ने लेकिन पर्सनली बात करके अश्योरेंस दिया कि आप बात कर लो, हफ्ते में 2 बार बात कर लो। तो मैंने फिर देव के टीचर से भी बात किया, बोले मेरे को ऐसे है, मैं हफ्ते में 2 बार बात करना चाहता हूँ, तो उन्होंने भी अलाउ कर दिया, अच्छा ठीक है आप बात कर लीजिएगा। और एकता से भी फिर हमने कनेक्शन बना के बोला बात करेंगे। पहले बहुत डाउट था कि हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, क्योंकि हम दूर रहते हैं, वो बैंगलोर में, हम चेन्नई में, फोन पे कितना कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। सुशांत सर का अश्योरेंस के वजह से फिर हमने ये 2 मंथ्स का प्रोग्राम एनरोल कर लिया। द बिगेस्ट कॉम्प्लीमेंट जो मुझे देव ने दिया वो ये था कि मम्मा आप इतने चेंज हो गए हो, तो आई नो दिस इज बिकॉज ऑफ परवरिश, बट एक क्वेश्चन है मम्मा, आपने पहले कुछ साल पहले क्यों नहीं कर लिया ऐसा कुछ कोर्स। सो दैट वाज द बिगेस्ट कॉम्प्लीमेंट फॉर मी दैट यस माय किड्स आल्सो नो मी वेरी वेल नाउ और दे आर लुकिंग फॉरवर्ड दैट वी शुड गो डू दीस सच काइंड्स ऑफ प्रोग्राम्स। तो इस प्रोग्राम में नाउ हमें पता चल जाता हम कब एस क्लास में, जैसे मानवी बताती हैं कि ग्रीन जोन में रहना चाहिए, तो हमें अभी पता चल जाता हम कब रेड जोन में हैं, तो कॉन्शियसली शिफ्ट हो जाते हैं वापस ग्रीन जोन की तरफ। बॉन्डिंग अच्छी हो गई है।